ओम श्री साई राम। परम आराध्य परम प्रेममा परम करुणामा भगवान बाबांक चरण कमळरे कोटी कोटी प्रणति जणे आरंभ करिबा आजिर प्रशांति अनुचिंता। आमे किपरि मन एवं इंद्रिय गुडीकु परिचालित करिबा आवश्यक, जहा द्वारा से माने आमगु शांति आडकु नै जिबे। भगवान आजि प्रेमपूर्ण एवं स्पष्ट भावरे एहा आमगु प्रशिक्षण देछंती। भगवान एठारे कहछंती, मनुष्यर हृदय रे अनेक योजना आठटी दिगरे भ्रमित होई परिशेषरे रूपरेख देथाय। किछि परस्पर सहयोगी होइथिबा बेले किछि परस्पर विरोधी होइथांते, किंतु सेगुडीकु एक महत उद्देश्य पूरण करिबा दिगरे श्रृंखलित भावे रास्ता देखाइबाकु पडिबो। से सबुकु एक निर्दिष्ट रास्ता देखाइबा पई तुमे निश्चित भावरे पारंगम हेबाकु पड़िबो। केवल बाह्य वस्तु गुडीकु व्यवहार करिबा पई नुहे, बरं मनर गुण गुडीकु मध्य निज अधीनस्थ करिबा पई निपुणता आवश्यक। एहा आत्माकु प्रस्फुटित करिबा पई मध्य गुरुत्वपूर्ण। निज मनर गुणावली गुडीकु जानिबा पई तुमको अभिज्ञ वयस्क व्यक्ति को अनुसरण करिबाकु हेबो, किंबा मनर शत्रु गुडीकु प्रशमित करिबा पई सेमानंक सहित कार्य करिबाकु हेबो। जेते दिन पर्यंत तुमे बुद्धिमान भावरे एक निर्दिष्ट दिगरे तुमर समस्त चिंता ओ कार्यकलाप गुडीकु दिग्दर्शन देइना हो, सेते दिन पर्यंत तुमर पवन रे एक छायार महल तयारी करी से भीतर घूरी बुलुथिबो। एपरिकि तुमर इंद्रिय गुडीक परस्पर विरोधी मार्ग चयन करी तुमको एते दूर अन्यमनस्क करि देबे जे तुमे आदर्श कोण ताहा सहजरे निष्पत्ति नै पारिबो नाही। से माने निजर मार्ग ही ठीक बोली तुमको अवगत कराइबे, किंतु जेते कष्ट एवं असुविधा आसुना काहिकि तुमे सर्वदा इंद्रिय गुडीकर मार्ग एवं विभिन्न वस्तु प्रति चिंताधारा ओ कामना गुडीकु परिवर्तन करिबा पई प्रयास करिबाकु पड़िबो, जहा एक आदर्श जीवन निर्वाह पई अनुकूल हेबो एवं ताहा ही प्रकृत ज्ञानीर संकेत एवं प्रकृत शांतिर मार्ग। उक्त दिव्य संभाषणटी प्रशांति बाहिनी अध्याय 22 रे भगवान सूचाई देइछंती। कहिबार तात्पर्य, जदिओ शरीर मन एवं आत्मार विभिन्न काम एवं गुण रहिछि, तथापि सेमानंक मध्यरे थिबा सामंजस्य एवं एकत्व मनुष्यकु दिव्य स्तरकु नेबारे सहाय्य करिथाय। जय साईराम।